यूट्यूब बंद करने का इंदिरा अदालत का सोशल मीडिया यूट्यूब पर काबिल एतराज मवाद का नोटिस, मजीद क्या तफसीलात है जानेंगे पुलिस के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब बलोच, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। इनको मसला होगा भी क्यों, मसला तो उनको है ना जो बेचारे अर्न कर रहे हैं, इनको मसला क्यों होगा। ये तो बस इनके मुंह में पैसे डाल दिए इन्होंने, बोली जाना यूट्यूब बैन हो गया, ये कर दिया वो कर दिया, इनके जब तक पैसे नहीं होने स्क्रिप्ट की तरह डटी जाना। नुकसान तो उन बच्चों का जो कमा रहे हैं। इनका चैनल एक दिन के लिए बंद होना, ये कह रहे हैं हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या फर्क पड़ता है, पता है यूट्यूबर्स को क्या फर्क पड़ता है। मैं चिल हूँ, मैं शौक से बनाता हूँ जस्ट, लेकिन मेरे पाकिस्तान में बहुत दोस्त हैं, ठीक है, मुझे पता है क्या फर्क पड़ता है। जिस चीज में आपकी इन्वेस्टमेंट होती है ना वो बांधो फिर पता लगता है। इसको जब पता लगे, ये जो बोर है ना जिसके मुंह में पैसे डले हैं, इसको जब पता लगे, जब इसकी चैनल में इन्वेस्टमेंट हुई है ना, टाइम लगा है, इसका चैनल बांधो इसकी नौकरी जाने, इसको तब पता लगे। इस तरह ही कहते हैं इसको क्या पता लगे, क्या पता लगे। पबजी ये चैनल वाले जो बोर है ना, एक चैनल में उस दिन देख रहा था जिसने पबजी बैन कराई है ना, उससे वो आया, उससे ये पूछी, ये चैनल वाले पूछे जा रहे थे टिकटॉक कब बंद होगा टिकटॉक, वो बेचारा हाथ पीटने वाला हो गया, करवा देंगे, कहता होगा कल। मैं कहा पता नहीं क्या करेंगे ये बैन करके, कोई बहुत ही इस्लामिक कल्चर लाएंगे। मैं अगले दिन देख रहा था वही टिकटॉक के शो से ये रेटिंग अपनी बढ़ा रहे थे, इनको जस्ट रेटिंग चाहिए, टिकटॉकर्स को बुला के ना अपने शो में ये रेटिंग चला रहे थे, इनको बस बोलने के लिए चाहिए। ये जिनसे इनको रेटिंग आएगी ये उनके साथ हो जाएंगे, बैन रहेगी बैन के साथ हो जाएंगे, पता है इनको कख का नहीं है, ठीक है, इनको घंटे का फर्क नहीं पड़ता कि टिकटॉक बंद हो रही है कि नहीं, फर्क हमें पड़ता है, पाकिस्तानी बच्चों को पड़ता है। पबजी बैन हो रही है, पाकिस्तानी बच्चे खराब हो रहे हैं, टिकटॉक बैन हो रही है क्योंकि उससे पाकिस्तानी बच्चे खराब हो रहे हैं, यूट्यूब बैन हो रहा है उससे पाकिस्तानी बच्चे खराब हो रहे हैं। तुम अच्छा करने के लिए पाकिस्तान में क्या कर रहे हो ना, क्रिकेट सॉकर तक एक ग्राउंड बनाते नहीं हो, बच्चे पाकिस्तान के करें तो करे क्या, स्कूल तक में तो ग्राउंड है नहीं तुम्हारे पास, फैसिलिटीज तो तुम्हारे पास है नहीं, तो बच्चे का क्या, फिर डिप्रेशन में आके ना सुसाइड ही होती है और कुछ नहीं होता। अगर तुम सारा कुछ बंद कर दो ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यूएस में रहता हूँ बट मुझे पाकिस्तान में बहुत दोस्त हैं और मुझे ना स्टैंड लेना पड़ेगा, मे भी मेरे इतने फैंस नहीं है, लेकिन जब तक स्टैंड आना दो दिल को तसली नहीं मुझे मिलती, मैं तो बोलूँगा। मुझे कल रात मेरे एक दोस्त की कॉल आई जो तो यूट्यूबर है एक्चुअली में, एक उसके पापा एक क्लर्क हैं, बैंक है HBL पाकिस्तान ना, उधर क्लर्क हैं, 16 के सैलरी है उसकी, ठीक है, तो वो अर्न करता है यूट्यूब से और अपने फादर से ज़्यादा सैलरी पर मंथ कमा लेता है 16K। पाकिस्तान में नथिंग है, कुछ भी नहीं है पर मंथ, मुझे पता है ना मेरे बहुत दोस्त हैं पाकिस्तान में, और आज से कई साल पहले मैं भी पाकिस्तान में था और मुझे पता पाकिस्तान में 16K से क्या होता है क्या नहीं होता, ये नहीं आगे जाने वाले, ठीक है। तो उस रोने वाला हुआ हुआ था यूट्यूब बैन हो रहा है, ये हो रहा है, मैंने उसको फिर तसल्ली वगैरह दी क्योंकि और तो मैं कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा सक्सेसिव है ना, यूट्यूब तो ये बंद करेंगे 17 ईयर्स में ये 16K से ज़्यादा तो सैलरी कर नहीं सके, और अगर कोई अर्न का तरीका है ये उसको बैन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इनको तो बच्चों को पाक साफ करने, ये पर इस्लामिक कल्चर लाना इनको तो पाकिस्तान में, इस्लामिक कल्चर वाला कैसे लाएंगे। टीवी खोलो ना पाकिस्तान में 99 चैनल आ रहे होते हैं, रिमोट पकड़ो ठीक है, जिसमें 92 में कैटरीना कैफ की फिल्में चल रही होती हैं, 4 में मॉर्निंग शोज चल रहे होते हैं, 1 QTV आता है न्यूज़ का, ठीक है। मैं खुद जब पाकिस्तान में था ना तो यूट्यूब से मैं इस्लामिक तलीम लेता था, ठीक है, क्योंकि टीवी पे तो आनी नहीं है, टीवी पे तो कैटरीना कैफ आएगी ना, शीला की जवानी, समझ रहे हो ना, इनको घंटा फर्क पड़ता है मेरा। तो एक एग्जांपल देना चाहूँगा मैं, छोटी सी है बट मुझे लग रहा है कि ये इसके साथ कनेक्ट करेगी। कुछ साल पहले ना मैं पाकिस्तान में जब था ना, पाकिस्तान में था तो मेरी आदत थी कि मैं हर दोस्त की हेल्प करता था, ठीक है, मेरी मामा की उसकी मामा दोस्त थी, मेरे घर वो दोस्त आया मुझे कहता है कि यार तैमी तेरे से काम है, मैं कहा बोल बोल बोल, कहा
चाहता है 100 रुपया दे दे जानी, तुझे रात तक दे दूंगा। वो आज तक मुझे नहीं मिला 100 रुपया, ठीक है ना, मुझे चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा, तो मैंने 100 दे दिया। मैं कहा जा यार अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह भला इसलिए करे क्योंकि जो आगे स्टोरी में होने लगा वो आप भी देख लीजिएगा। अब वो चला गया, काम कुम हो गया, मैं आराम से सो गया, मोबाइल यूज करके सुबह उठा तो ऐसे वही सामने ना मेरे स्टेयर्स थी, इस तरह ना दरवाजा मैंने खुला, रूम था दरवाजा था फिर आगे स्टेयर थी, रूम खुला हुआ था क्योंकि मम्मी ऐसे अपने बेटे के साथ आ रही हैं ऐसे फुल एक्टिंग में मॉडलिंग वगैरह स्टाइल में सीधा आई हैं। तो मेरी मामा कहती हैं कल मेरे बेटे ने सिगरेट पिया उसमें आपका बेटा इन्वॉल्व था। मैं ऊपर से मेरे घर वाले को वैसे ही मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा नहीं तू, अब मैं इन्वॉल्व कैसे था, मैंने पैसे दिए थे उसको बच्चे को, ठीक है, मुझे मेरी जो क्लास रखनी थी बस इतनी लागी, बस समझो कि घर से नहीं मैं निकला, ठीक है। उसकी मामा वापसी अपने बच्चे को कैसे लेके जा रही थी, ऐसे अपनी बाहों में डाल के ना ऐसे चल मेरा बेटा चले। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने साइन किया ना, बहुत बहुत डेढ़ साल है, रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है, बट बुरा ना मानिएगा, मैं यूट्यूब हूँ, ठीक है, और मुझे वो अंकल ना उस लड़के की मामा, जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं यूएस हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, अर्निंग से भी कोई, अगर पाकिस्तान इतने सक्सेसफुल होता ना तो अमेरिका की 15% आबादी पाकिस्तानी ना होती, सोचने की बात है। सो जो भी है मैं इधर हूँ ना, तो मुझे व्यूअर्स व्यूज वगैरह से किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं शौक के लिए बनाता हूँ, लेकिन मुझे उनका होता है जो मेरे दोस्त हैं और मैं तो स्टैंड लूँगा, चाहे एक बंदा देखे ना मैं स्टैंड लूँगा। मेरे पेरेंट्स ने भी सिखाया है स्टैंड लो जो रोंग है, और ये बात रोंग है, ठीक है, इसलिए मैं इसके साथ स्टैंड लूँगा। पाकिस्तान में शुरू से ही ऐसे होता है, कोई भी चीज़ हो ना, न्यूज़ वाले मुझे इतने के बुरे लगते हैं ना, हर चीज़ को उठाते हैं, हर चीज़ को उठा देते हैं, इतना क्राइम हो रहा है पाकिस्तान में कोई भी नहीं दिखाएगा। जब टीवी खोलो टिकटॉक पबजी, पहले कोरोना, जब भी गवर्नमेंट पे प्रेशर है ना, जब भी गवर्नमेंट पे प्रेशर है, गवर्नमेंट ने टेंशन डिवर्ट करने के लिए कोई दूसरी चीज़ की है, अभी भी हमारे घर में पाकिस्तानी न्यूज़ देखी जाती है, ठीक है। और यही मैं देखता हूँ कि जब भी गवर्नमेंट पर कोई प्रेशर आने लगता है ना, गवर्नमेंट प्रेशर डिवर्ट करने के लिए, टेंशन डिवर्ट करने के लिए हमेशा ये करती ही करती है, ये परमानेंटली बैन कुछ नहीं करते, टेम्परेरी बैन करते हैं, जस्ट बच्चों की फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, ठीक है। पबजी से काफ़ी सुसाइड हो रही थी, सुन रहा है, आपके एजुकेशन सिस्टम से भी बहुत सुसाइड हो रही है, एजुकेशन भी ख़त्म कीजिए, ठीक है, क्योंकि सुसाइड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो खैर टॉपिक दूसरा है, बस लास्ट पे यही कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना, वो न्यूज़ चैनल जब तक ये नहीं ना ठीक होंगे, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला, इस तरह पाकिस्तान बड़ों का कुछ नहीं जाना, पाकिस्तान का फ्यूचर ना हमारी जैसी एज है। लोग कहते हैं भाई तुम्हारा बात करना नहीं बनता, मैं समझता हूँ हमारी बात करना बनता है, उन्होंने जिंदगियाँ गुजार ली हैं। जब मुझे सबसे बड़ी जो YouTube की खासियत लगती थी पता क्या लगती है, हमारे अंदर ना सेल्फ एबिलिटी डिसीजन की पैदा होती है, सेल्फ डिसीजन की ना एबिलिटी हमारे अंदर पैदा होती है। अगर मुझे कोई मेरा बड़ा के कहता है ना कि यार ये काम है, मैं पहले जाके ना YouTube पे देखूंगा, यार देख तो लूँगा एक दफ़ा, तो मुझे पता लग जाएगा वो अच्छा है बुरा, मैं एक दफ़ा सोचूंगा वो करने से पहले। जब मेरे पास सोशल मीडिया नहीं ना होगा, कुछ नहीं होगा, कोई अवेयरनेस नहीं होगी, मुझे कोई भी आगे कह देंगे यार वो कंट्री तुम्हारे अगेंस्ट है, तो मैं वो ही करूँगा। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिससे मेरे बहुत कंट्री के फ्रेंड्स बने हैं, तो ये जो आजकल स्टेप्स गवर्नमेंट उठा रही है ना सोशल मीडिया पे, ये वो, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। तो यही मेरा वीडियो मैसेज था, होप सो यूट्यूब बैन हो रहा है कि नहीं हो रहा इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट फ़र्क ये पड़ता है क्यों हर 5-6 महीने बाद उठा दी जाती है, क्यों डिवर्ट करती, क्यों यार टेंशन डिवर्ट करते हो, करना है तो करो, नहीं करना तो ना करो, क्या बार बार तुम ये करते हो वो करते हो, एक ही दफ़ा पाकिस्तानी बच्चों को मार क्यों नहीं देते, ना ग्राउंड देते हो, मार तुमने ऐसे इतना प्रेशराइज कर दिया एजुकेशन सिस्टम वगैरह की वजह से कि बाहर ही आते हैं लोग, अब रहते भी नहीं हैं बच्चों से अगर उधर के बात करो तो 80% से ज़्यादा की होप यही होती है कि हम बाहर आ जाएँ, इतना तो आपका यानी सक्सेसिव हो,
तो मैं सिर्फ ये बात इसलिए करता हूँ कि यार हर्ट हो तुम, ठीक है? पाकिस्तान, पाकिस्तान मेरी जान है। इवन किधर रह के भी ना मैं पाकिस्तान को प्रमोट करता हूँ, उर्दू को प्रमोट करता हूँ, हर चीज़ को प्रमोट करता हूँ। कभी भी अमेरिकन बनने की कोशिश नहीं की या कुछ बनने की कोशिश नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान प्यार है, ठीक है? पाकिस्तान जिंदाबाद। और ब्लॉगर हूँ, बट ऐसे ही जब उस लड़के का फ़ोन आया तो जज्बात उड़ गए। और अभी मुझे 103 फीवर है, जिसमें वीडियो बना रहा हूँ, जस्ट इमोशंस में आके। और मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। और तो आपको बातें पसंद आएंगी, कुछ गलत कह दिया तो सॉरी, क्योंकि मैं स्क्रिप्टेड कुछ नहीं कहता, न्यूज़ चैनल वगैरह की तरह या जजेस की तरह के, बस जिन्होंने कह दिया लिख के देते, स्क्रिप्टेड कुछ नहीं कहता, जो दिल में होता है वो कहता हूँ। होप सो वीडियो लाइक आएगी, अगर ना भी आए तो फिर भी कोई बात नहीं, मैंने जस्ट अपने दिल की बात कहनी थी। थैंक यू सो मच।